उसके बाद में सीनियर मेंटर्स को लेंगे, लास्ट में जो होगा क्वेश्चन सवाल लेंगे। ओके यही होगा सर। ओके ओके सर, चलिए जी चलिए, बुलाना चाहूंगी हमारे जितेंद्र जोशी। थैंक यू सर, थैंक यू अमीन सर, जितेंद्र जोशी सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आवाज प्रॉपर मैम प्लीज इन्फॉर्म मी। क्लियर है सर। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने मंच पर बोलने का मौका दिया, आपका दिल से शुक्रिया। और मैं जितेंद्र कुमार जोशी डिस्ट्रिक्ट बस्ती यूपी अयोध्या से बिलोंग करता हूँ साथियों, और आप सभी के साथ में बेटियों के साथ मिलकर वर्क करो साथियों, और आप सभी ग्रेट गुरु के चरणों में प्यार भरा नमस्कार। और साथियों जैसा कि आज हमारा सिस्टम रनवे में हो रहा साथियों, तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो कि दोबारा से एक नई मुकाम को जो पाने का मौका मिला साथियों। और ये पेशेंस है आपका और इस परमपिता परमेश्वर पे भरोसा है, जो आज आप लोग जैसा कि उम्मीद पूरी 100% या शाम तक हमारा सिस्टम रनवे में आ जाएगा साथियों। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारी चीजें अभी हुई हमारे बीच, मैं भी सुन रहा था। मैं सिंपल सी बात यही कहूंगा कि जो चीजें यानी कि जो भी निगेटिव बोले ना बोले वो बात है, लेकिन किसी को खुले मंच पे चैलेंज करना बेवकूफी है, उसको ऐसी जगह भेज दो यानी कि जो भी एडमिन हमारे हैं, चाहे एमके शर्मा ममता मैम एनीबॉडी कोई भी हो, ऐसी जगह भेज दो दोबारा वो दिखाई ना पड़े। ये मेरा खुद का मानना, क्योंकि मैंने किया भी है और मैं भी अच्छे से मीटिंग चलाता भी था, तो वही है ना कि एक बार दोबारा से भेज दो, दोबारा से आएगा नहीं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बार बार उसकी टीम पता नहीं एक आती है दो आती है, अकेला था कोई मायने रख, लेकिन हम अपनी टीम को यहाँ पर लाते ये मायने रखता है। और कहते हैं कि पॉजिटिव करना आसान नहीं होता, पॉजिटिव करना आसान नहीं होता, लेकिन हम लोग करते हैं, अपने आप को भी करते हैं और टीम को भी करते हैं, और बहुत सारी समस्याओं से जूझते भी हैं। सिस्टम रनवे में आया इस बात की खुशी होनी चाहिए, आप खुले मंच पर किसी को चेतावनी देना, आप कितने साल से नेटवर्क क्या मैं कोई मैटर नहीं करता, कोई नहीं मैटर कर सकता। और एक सज्जन थे हमारे, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, उन्होंने डायरेक्ट बोला आप कितने ईयर से नेटवर्किंग करते हो। अरे उनको ये बोलना चाहिए था, अब क्या बोलूं मैं उनसे, यही कहूंगा कि से यही बोलूंगा कि यहाँ पर नेटवर्किंग मायने नहीं है। यहाँ पर आप एक बच्चे को आपने देखा हो लाखों करोड़ रुपए प्रतिदिन कमाता है, प्रतिदिन कमाता है, वो तो एक साल का यानी कि बहुत कम उम्र में। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से एक दिन में एक लाख रुपए ट्रेडिंग शेयर मार्केट से कमा रहे हैं, क्या उनको समझ नहीं है? अगर वो प्रोडक्ट बेस कर रहे हैं नेटवर्किंग कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उनको इस बात पे किसी को चैलेंज नहीं देना चाहिए। और आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी प्रसन्न बने हुए साथियों, इस सिस्टम पे भरोसा कीजिएगा। और साथियों मुझे तो अपने सीनियर पे पूरा भरोसा है, मुझे अपने सीनियर पे भरोसा है और खुद पे और कंपनी पर। और दोस्तों मेरी टीम भी निगेटिव नहीं पॉजिटिव ही है साथियों, आप लोग इस सिस्टम में बने हो तो ये आपका अहम कर्तव्य होता है कि निगेटिव जो लोग बोलते हैं दोस्तों उनसे दूर रहिए। हाँ मैं मानता हूँ कि पॉजिटिव करना आपका कर्तव्य है, लेकिन कहते हैं ना एक पागल को यानी कितनी बार आप ठीक करने के उसको पागल खाने भेजना ही होता है, तो भेज देते हैं ना उसी तरीके से, जो निगेटिव है उसको ऐसी दुनिया में भेज दो। हालांकि मेरा कहने का मतलब लोग समझ ही गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो समझ जाएंगे, ऐसी दुनिया ऐसी जगह भेज दो दोबारा से दिखाई ना दे, क्योंकि मैंने ये सब चीजें बहुत पहले से करके आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। और ये बात जरूर है कि अगर बातों से किसी को ठेस पहुंची उसके लिए माफी चाहूंगा। और थैंक यू सो मच ममता मैम, आपने बहुत अच्छे से मंच को चला, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम, शुक्रिया जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। और रही बात हेल्पलाइन नंबर की, तो हेल्पलाइन नंबर तो हमारे पास पहले से ही है ना, हम किस लिए आए, हमारे अपलाइन हमको लाए, तो अपलाइन है ना अपना हेल्पलाइन नंबर, उनसे कॉन्टेक्ट करो, उनसे सारी अपडेट लो, आप क्यों हमारा भेजा चार्ट, ठीक है सर, ओवर टू थैंक यू सर, थैंक यू।